हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आम का सीज़न है तो आम की डिश आना तो बनता है। ऐसे में मैं आप सभी के लिए कुछ डिफरेंट आम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने नॉर्मली नहीं देखी होगी। और नॉर्मली जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या बनाते हैं, खीर बना देते हैं या फिर आइसक्रीम सर्व कर देते हैं डेजर्ट में, या फिर आप कस्टर्ड बना देते होंगे। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप ये मैंगो पुडिंग बनाकर उन्हें सर्व कीजिएगा। सबको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और पसंद की पसंद भी आएगी सबको। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हमने यूज़ की हैं जो कि हर एज ग्रुप को पसंद आएंगी। तो एक बार ही अपने घरों में ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर साबूदाना। आप सोच रहे होंगे साबूदाना क्यों, तो चलिए आगे आगे बताती हूँ मैं आपको। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप साबूदाना ले लिया है। साबूदाना दो तरीके के आते हैं, एक मोटे और पतले, आप कोई भी ले सकते हैं। अब साबूदाने को ना आप एक आध बारी अच्छे तरीके से पानी से धुल लीजिए। और अब मैं इसमें रख दूंगी 1/4 कप पानी। और अब इसे हम ना करीबन 1 घंटे के लिए साबूदाने को फूलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ना साबूदाने को फुला के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं साबूदाने बिल्कुल डबल हो गए हैं उनकी क्वांटिटी के। बिल्कुल इस तरीके से खिले खिले आपके भी साबूदाने बनकर रेडी हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पतीले में करीबन 1/2 लीटर दूध ले लिया है। अब दूध को आपको 10 मिनट तक खौला लेना है। तो आप क्या करें, दूध को खौलाने के लिए सबसे पहले आप ना हाई फ्लेम पर इसे तब तक खौलाएं जब तक इसमें एक खौल नहीं आ जाती। और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा छोड़ दें 10 मिनट के लिए। तब तक आप अपने बाकी के काम निपटा लीजिएगा। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये जो हमने 1/2 लीटर दूध लिया था ना, ये करीबन 300 ग्राम दूध बचा है। अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना जो कि हमने भिगोकर रखे हुए हैं। और साबूदाना के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे चीनी। हमने लिया था 1/4 कप साबूदाना, तो 1/4 कप आप इसमें चीनी डाल दीजिए। ये बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल करेक्ट मिठास का साबूदाना बनाने के लिए। साबूदाना डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और दूध को आपको वापस 5 मिनट के लिए खौला लेना है। इसमें एक आध बारी आपको खौल ले लेनी है। और उसके बाद आप ना गैस की फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल बंद। आप बोलेंगे क्या ये खीर बन गई। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है जब हम साबूदाने की खीर बनाते हैं तो वो ना लिबली भी बनती है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो वो लिबली भी बिल्कुल नहीं बनेगी। हाँ, इसमें हमने साबूदाना डाला है तो कॉर्नस्टार्च के कारण थोड़ी सी तो होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा लिबली भी नहीं होगी जैसा आपके घर में नॉर्मली बन जाती है। आप सोचते होंगे क्यों बन जाती है, तो बिल्कुल इस तरीके से आप ये साबूदाने की खीर अगली बार से व्रत में बनाइएगा। आप सोच रहे होंगे मैं साबूदाने की खीर की बातें कर रही हूँ लेकिन हम तो बनाने वाले हैं मैंगो पुडिंग। तो फ्रेंड्स, आगे आगे देखते जाइए मैंगो पुडिंग कैसे बनेगी। तो अब इस खीर को हम रख देंगे ढककर करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद आप देखेंगे ना साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है, इसने काफ़ी ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और ये जो आपकी खीर है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो बिल्कुल मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमें गाढ़ी खीर चाहिए, तो उसे ना आप फिर फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरीके से चिल हो जाए। तो यहाँ पर ये जो हमने साबूदाने की खीर बनाई थी, आप ये देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल ऐसी ही गाढ़ी खीर चाहिए हमें मैंगो पुडिंग बनाने के लिए। तो चलिए, साबूदाने की खीर रेडी है। अब देख लेते हैं हमें मैंगो के साथ क्या करना है। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर 2 मैंगोज चाहिए होंगे। एक मैंगो का तो आप पल्प बना लीजिएगा, तो बस आपको क्या करना है उसे आप कट करके मिक्सी के जार में डाल लीजिएगा और उसे पीस लीजिएगा, तो उसका पल्प रेडी हो जाएगा। एक मैंगो से आप क्या करें, उसके ना आपको छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं। तो उसके लिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके, बिल्कुल इस तरीके से कट कीजिएगा। बिल्कुल आसानी से छोटे छोटे क्यूब्स कट हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पीसेस आम के कट हो जाएंगे, जो कि फिर जब आप मैंगो पुडिंग खाएंगे ना तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंगो के पीसेस इस तरीके से आपको काटने हैं। यहाँ पर मैंने 1 पूरे मैंगो के पीसेस कट करके रख लिए हैं और यहाँ पर हमारी मैंगो प्यूरी भी रेडी हो गई है। अब मैंगो तो रेडी है और साथ में हमारी साबूदाने की खीर भी रेडी है और साथ में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइसक्रीम।
जी हाँ, बच्चों की फेवरेट होती है ना, बच्चे क्या सब बड़ों की भी फेवरेट होती है। यहाँ पर ना मैं मैंगो आइसक्रीम यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है, विप क्रीम है, तो आप विप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सारी तैयारी हो गई है हमारे पास, रख लेते हैं आइसक्रीम को भी साइड में, और अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं हमारे मैंगो पुडिंग की। ये सारी चीज़ें अभी जैसे दिख रही है ना, बिल्कुल टेस्टलेस जैसी, इससे एक बिल्कुल यामी डेजर्ट बन के रेडी होगा, तो देखते चाहिए। एक यहाँ पर आपको ग्लास लेना है, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना वो लीजिएगा, तो उससे जब आप सर्व करेंगे ना तो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी पुडिंग। अगर आपके पास इस तरीके से कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है तो डिस्पोजिबल कप्स होंगे ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस जिस तरीके से मैं ये प्लेटिंग कर रही हूँ वैसे आपको करना है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी है, तो कलरफुल टूटी फ्रूटी इसमें आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कीजिए, और थोड़े से काजू के पीसेस भी आप इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो ऊपर से रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, एक बारी ना मैं आपको फिर से एक और पुडिंग ग्लास रेडी करके दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से। ये इस तरीके का डेजर्ट है ना कि अगर आपके घर में रात में मेहमान आने वाले हैं तो आप ना इसे दोपहर में बनाकर रख लीजिए और फिर इसे फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से चिल हो जाएगा, और उसके बाद जब आपके मेहमान आए तो आप इन्हें डिनर के बाद सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये टेस्ट में, और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही डिफरेंट है। जिसे भी आप सर्व करेंगे, पहले तो यूनिकनेस के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद टेस्ट के लिए तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि ये जो हमने डिश बनाई है ये लेयर्ड डिश है, तो जब आप इसे खाएं ना तो बिल्कुल स्पून को ना नीचे की लेयर के साथ में खाएं, तो एक स्पूनफुल में ना आपको सारी टेस्ट आएंगी, आइसक्रीम का भी, मैंगो का भी, एंड देन साबुदाने के खीर का भी, जो कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है। एक बारी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर यूनिक लगी है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्या करना है शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी समर्स।